नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से, जहाँ कुशीनगर जिले के सिवरही विकास खंड के गांव मैरवा आजकल विकास की पथ पर अग्रसर दिखाई दे रहा है। सिवरही विकास खंड का यह गाँव प्रदेश के साथ जिले का अंतिम गाँव है। यह गाँव बिहार से बिल्कुल सटा गाँव है। ग्राम पंचायत मैरवा के प्रधान हीना खातून के प्रतिनिधि रमतुल्ला अंसारी द्वारा सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर पहुंचा 100% फलीभूत किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए पौधे का रोपण भी जमकर किया जा रहा है और शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चौमुखा विकास के पथ पर अग्रसित है। कुशीनगर जिले से राजेश कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। पंचायत भवन पे क्या कार्य हुआ है? पंचायत में जो पेंटिंग का काम था और टाइल्स का काम था वो मैंने करवाया था। और आगे गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ एक स्कूल है, वो भी विवाहित ही रहा है। मैंने उसका बाउंड्री का भी करवाने जा रहा हूँ। दस नंबर के अंदर नहीं, अभी बहुत सारे विवाहित काम है जो एक एक करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। जी, अभी सरकार के द्वारा जो पौधे दिए गए थे वो कितने पौधे आपको मिले थे और कहाँ कहाँ लगे हैं? वह पौधे हमने लाया था और लाने के बाद पंचायत भवन पर और एस पर और एक सड़क पर लगवाया था, जिसमें से सारे पौधे लगभग सूख गए और उसमें से लगभग 25-30 पौधे हरियाली जो बड़े बड़े बड़ पौधे में लाया था वह लगा हुआ है और वो बढ़ रहा है। विकास को लेकर गाँव की और क्या सोचे हैं आपकी? विकास के लेकर गाँव में मेरे यहाँ धन बहुत कम है ग्राम सभा में। मैं उसको देखते हुए बहुत सारा काम मैं करना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं सरकार से कि उस धन को अधिक कराए, जिससे कि गांव की पूरी समस्या का मैं समाधान कर सकूं। ये बिहार से सटा हुआ आपका जो है बिल्कुल गांव है, एक तरह से कहा जाए तो हाँ, ये बिहार से एकदम सटा हुआ गांव है। जो इधर से विकास आते आते यहाँ ख़त्म हो जाता है और बिहार से आते आते यहाँ बॉर्डर पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा ऐसा ना हो और मैं काम यहाँ बॉर्डर पर करके दिखाऊँगा। हाँ, पहले से शिक्षा हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा है। जो पहले 15-20 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 80-90 बच्चे पढ़ रहे हैं। पर मैंने अध्यापकों को बहुत अच्छा से मैं वो क्लास में वो लेता हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे इसे उस तरह बढ़ रहे हैं बच्चे हमारे स्कूल में।